हम राजस्थान के हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे अपने खंडवे जिले में। हमारी यहाँ पे भेड़े वगैरह, हम रात में अकेले अकेले रहते हैं, तो यहाँ के चोर लोग जो रहते हैं वो रात को आते हैं, हमारी भेड़ वगैरह चुरा के लेके जाते हैं। हम अकेले अकेले आदमी रहते तो हमारे साथ मारपीट भी होती है, रात को भाई बहन भी रहते हमारे साथ सब। तो इसके लिए आज हम SP साहब से निवेदन करते हैं, इनके पास बोले तो एक वो बोले लेके आए एप्लीकेशन के, हमारी कोई यहाँ पे है तो हमारी कोई सुविधा दो आप। कहने का मतलब अगर के जैसे कि बोले शोर वगैरह रहते हैं तो उनको आप थोड़ी जानकारी लेके उनके भाई कहाँ हमारी रोज के कम से कम हमारी ये 2-3 महीने में कम से कम 700-800 भेड़े तो चोरी हो गई है। तो उसके लिए हम चाहते कि वो चोरों को पकड़ो और हमारी भेड़े मिले वापस। और हम गरीब लोग हैं, हमारी कहाँ पे सुनवाई होती नहीं है, और वो लोग गाड़ी लेके आते रात को हमारे सामने से भाग के जाते और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और हम अकेले वो लोग तो बोले तो चाकू धारिये तलवार लेके आते, हमारे बहुत से लोगों के साथ मारपीट भी हुआ है। तो उसके साथ हम चाहते हैं कि SP साहब हमारी कोई ना कोई सहायता करे। हम राजस्थान से आते हैं पशु पालने के लिए, पेट पालने के लिए, इसलिए आज से नहीं हमेशा से आते हैं, वर्षों से आते हैं, पीढ़ियों से आते हैं। तो इसी समय पहले कभी हमको ऐसी तकलीफ नहीं आई थी। अभी ये 2 साल होकर के अभी ये बीता साल जा रहा है, इस समय में हमारे साथ में इतनी घटना घट रही है जिसकी कोई हद नहीं है। खाना भी हम लोगों को हराम हो गया है। एक एक दो दो घर रहते, उसमें क्या करे, परिवार के 2 लोग रहते, किसी के पास 3 रहते, किसी के पास 4 रहते। अगर वो लोग है तो 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। गाड़ियों से आते और हथियारों से आते हैं, बंदूकें लेकर के आते, धारदार हथियार भी लेकर के आते, और नाइट में तो देखो नींद तो सबको आते रहते हैं। तो भेड़ा हमारी चुरा के ले जाते हैं, और सुबह जाएँ पुलिस में तो पुलिस हमको बोलती है कि कौन से आदमी था, क्या था, हमको बताइए कहाँ के थे। तो वो हमारे हाथ में तो है ना, जो हम उसका सबूत बता सकते हैं। हमारे पास में यहाँ से कम 6 डेरे है, तो एक एक घर के 6 घर है खंडवा जिले के अंदर। किसान हमको बैठाते है, सीओ हमको किसान देता भी है, किसानों की मदद से भी हम पेट पाल रहे हैं। कितनी भेड़े हैं हमारे पास? किसी के पास 100 भेड़ा है, किसी के पास 200 भेड़ा है, किसी के पास 300 है, किसी के पास 50 है। टोटल लगभग 85,000 तो हो जाएगा। ऐसे होकर के हम आपसे निवेदन करने आए साहब प्रशासन से कि हमारी मदद करे, हमको रात मिलने चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे को मार डालेगा और हमको मौत के घाट उतार देगा, हम क्या करेंगे। कि यहाँ पर जो भेड़ पालक राजस्थान से आते हैं और वर्ष भर किसी न किसी थाना क्षेत्र में रुकते हैं, उनके साथ में अलग अलग डेरे होते हैं, उनका ये कहना है, एक आवेदन दिया है कि हमारी भेड़ों को रात में कुछ लोग आते हैं और हमको डरा धमका करके भेड़े चुरा के ले जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ले जा रहे हैं। तो उनकी जाँच की जाएगी और जाँच में जो पाया जाएगा, यदि वास्तव में उनकी भेड़ें चोरी गई हैं तो उनको खोजा जाएगा। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।